तेजस्वी यादव की थोड़ी थोड़ी गलतियां पार्टी को भारी पड़ सकती हैं। जी हां, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार महागठबंधन को लेकर उतने ज्यादा टाइट नजर नहीं आ रहे, ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब महागठबंधन में दरार पड़ सकती है। अब जीतन राम मांझी भी खुलकर सामने आ चुके हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, जो महागठबंधन से खासे नाराज हो चुके हैं और उनके बचाव में मुकेश सहनी भी आए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, मुकेश सहनी से करीब होने के बाद मांझी ने अब महागठबंधन को अल्टीमेटम दे दिया है और 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है। सोमवार को मांझी ने कहा था कि मुझे विधानसभा के उपचुनाव में धोखा दिया गया, पहले से बातें तय होने के बाद भी उनके ऊपर फैसला थोपा गया। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर हम नाथनगर सीट पर मिलकर उपचुनाव लड़ते तो वहां भी जीत होती। वो लगातार इस बात को कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। हम आपको बता दें कि गार्जियन की तरह भी इन्हें सुनना चाहिए था, क्योंकि जो सबसे अच्छा सुनता है वही अच्छे फैसले भी ले सकता है, और अभी तेजस्वी यादव को सुनना सबका है और करना खुद का है। तेजस्वी यादव अगर बुजुर्ग नेताओं पर ध्यान दें, एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अगर उनकी सुने तो हो सकता है कि उनकी पार्टी को बड़ा फायदा हो, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी वो इस तरह से ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पार्टी से जुड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो जुदा होने की राह पर हैं। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी ने भी कुछ बातें कही, काफी नाराजगी दिखी जीतन राम मांझी की। हम आपको बता दें कि दलित मुस्लिम राजनीति के पैरोकार हैं जीतन राम मांझी। पूर्व सीएम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस साल दिसंबर तक अगर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो वो भी सोचेंगे और तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि दलित मुस्लिम एकता के हम पैरोकार रहे हैं, हमने ओवैसी की पार्टी की जीत पर बधाई दी है, अगर महागठबंधन में चर्चा नहीं हुई तो इस बात पर भी विचार कर सकते हैं। बड़ा सवाल, जीतन राम मांझी बीजेपी में भी जा सकते हैं, ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या वाकई में दलित मुस्लिमों का बेड़ा पार हो पाएगा ऐसे? क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर जीतन राम मांझी बिहार के दलित मुस्लिमों का कल्याण कर पाएंगे? आखिर जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है? आखिर सियासत की बागडोर किस तरफ जा सकती है? ये तेजस्वी को सोचना चाहिए। कहते हैं कि वक्ता से अच्छा श्रोता होता है, तो तेजस्वी को क्या थोड़ा वक्त रुककर अपनी पार्टी के लिए सोचना नहीं चाहिए? महागठबंधन सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है, उसमें कई पार्टियां मिली हुई हैं, जिसमें महागठबंधन का दारोमदार तेजस्वी पर है। और ये पूरा गठबंधन तभी चल पाएगा जब जितनी पार्टियां मिली हुई हैं वो एक साथ रहें। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी पार्टी खिसकेगी या किसी का भी मुखिया ढीला पड़ेगा तो फिर महागठबंधन गड़बड़ हो जाएगी और टूटने के कागार पर पहुंच जाएगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में सुनने और देखने को मिला था। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? आखिर क्या हो सकता है? इस पर दीजिए अपनी राय और खुलकर कीजिए कमेंट। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।